मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की रेड बटन दबाएं, बाद में आपको एक घंटी मिलेगी, उस घंटी को दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हेलो सखियो, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्नेहा स्लाइफस्टाइल में। तो फिलहाल सीजन चल रहा है ब्राइडल मेकअप लुक का, तो मैंने भी एक ब्राइडल मेकअप लुक तैयार किया है जो कि है मेरे खुद की शादी का। तो मैंने अपने ही शादी का ये ब्राइडल मेकअप लुक रिक्रिएट किया है। आई होप यू विल लाइक इट। मैं एक बात बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, जो भी कुछ सीखा है खुद से सीखा है। अगर कोई कम ज़्यादा लगे तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो इस तरह मैंने अपना ब्राइडल मेकअप लुक किया है। हमारे यहाँ व्हाइट साड़ी पहनी जाती है, तो उस हिसाब से मैंने मेकअप और अपना ज्वेलरी पहनी है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। तो मैंने अपने फेस को फेस वॉश किया है, उसके बाद लगाया है प्लम का मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर, उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये साइड का प्राइमर। ये प्राइमर मैं अपने पूरे फेस पर लगा रही हूँ। प्राइमर लगाना बहुत जरूरी है, ये आपके फेस को एक स्मूथ फिनिश देता है, आपके जो ओपन स्पॉट्स है वो फिल कर देता है और आपका जो मेन मेकअप है उसको लॉन्ग लास्टिंग रखता है। तो बहुत जरूरी है कि आप प्राइमर लगाएं। प्राइमर के बाद मैं लगा रही हूँ ये फाउंडेशन जो कि है मेबेलिन का फाउंडेशन 310 मेरा शेड है, और मैं ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अपने पूरे फेस को डैप डैप करके लगाऊंगी। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने फेस को फाउंडेशन को अपने फेस पर डैप डैप करके लगाएं, ना कि पोंछ के लगाएं, इस तरह से वो किंकी नहीं लगेगा और अच्छे से आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छी तरह से स्प्रेड होगा। और बहुत जरूरी है कि आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज करें, ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है आपके फाउंडेशन को अच्छी तरह से स्प्रेड करने में। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा कि डैम ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए और आप इस तरह से डैप डैप करके ही अपने फाउंडेशन को स्प्रेड करना चाहिए। उसके बाद मैं ले रही हूँ कंसीलर। कंसीलर का काम होता है जो भी आपकी पिगमेंटेड एरिया है, जैसे कि डार्क सर्कल्स, एक्ने स्कार या फिर कोई भी पिगमेंटेशन आपके फेस में हो, तो वो एक अच्छी तरह से कंसील करता है, उसको हाइड करता है। तो इसलिए कंसीलर लगाया जाता है। तो मैंने अपने अंडर आईज, अपने नोज और अपने अराउंड माउथ ये कंसीलर लगा लिया है, और मैं उसी ही डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ये कंसीलर को अच्छी तरह से सेट कर दूंगी, अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी, ताकि जो भी मेरे पिगमेंटेड एरिया या प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह से हाइड हो जाए। और उसी तरह मैं अपने पूरे फेस को डैप डैप करके ये कंसीलर लगा लूंगी। उसके बाद आती है अपने जो फाउंडेशन और कंसीलर लगा है उसको सेट करने का। तो उसके लिए आप एक लूज पाउडर यूज कर सकते हैं या फिर ये कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर सकते हैं। मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ। अब मैं अपने आई लिड को अभी कंसील कर रही हूँ ताकि जो मेरा आई मेकअप है वो अच्छी तरह से दिखे। इसके लिए एज अ बेस्ट भी वही कंसीलर का कंसीलर मैंने अपने आई लिड को लगाया है और उससे किया है। फिर से मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लूंगी और अपने मैंने जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया है वहाँ पे अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्वर्डर से डैप डैप कर दूंगी। ये है सिवाने का ब्लश और कॉन्सर और हाइलाइटर पैलेट। ये ऑल इन पैलेट है, बहुत अच्छा पैलेट है। आपको ये पाउडरी फॉर्म में है, आपको सब एक ही इसमें मिल जाता है। तो ये इस तरह से मैं अपने चीक को काउंटर कर रही हूँ। काउंटरिंग से क्या होता है, आपके चीक है वो थोड़ा स्लिमी फिट देते हैं एक, और आपके जो फेस है वो स्कर्टेड लगता है, क्योंकि फाउंडेशन और कंसीलर लगाने के बाद आपका चेहरा बहुत ही प्लेन और वाइटिश हो जाता है, जो कि उतना अच्छा नहीं लगता। पर जब आप काउंटरिंग करते हैं तो एक आपको फेस डायमेंशन मिलती है, डेफिनेशन आती है, तो थोड़ा सा फेस स्लिम और स्कर्टेड लगने में मदद होती है। इस तरह आपको काउंटरिंग कर सकते हैं। काउंटर पाउडर होता है जो आपके फेस टोन से 3 या 4 से थोड़ा डार्क होता है, और इस तरह से आप अपने फेस को काउंटरिंग कर सकते हो। उसके बाद मैंने ये ब्लश लिया है और ब्लश वाले ब्रश से मैं अपने चीक बोन जो है मेरे हाई चीक बोन एरिया है उसको मैं हल्का सा ये ब्लश लगाऊंगी, ताकि आपके जो चीक है उसको एक नेचुरल कलर मिल सके, ग्लो मिल
नेचुरली ही रख रही हूँ, सिर्फ जो मुझे लगता है कुछ एरिया फिल करने का है, जो स्पेयर एरिया है, तो उसी को मैं फिल कर रही हूँ और थोड़ा सा डार्क लुक दे रही हूँ। तो इसी तरह से मैं अपने दोनों आईब्रोज को इसी आई शेडो ब्लैक आई शेडो से फिल करती हूँ। मैं कुछ ड्रामेटिक या एक्स्ट्रा अलाइन वगैरह सब कुछ नहीं कर रही हूँ, जो कि मेरे आईब्रोज पर बहुत जो मेरी नेचुरली मैं वही रखती हूँ। तो अब चलते हैं आई मेकअप की ओर। और आई मेकअप के लिए मैंने वही सिवाना का काउंटरिंग पैलेट लिया है, उससे इसमें से मैं ले रही हूँ ये पिच वाला, जहाँ तीन ब्लश है वही एज आई शेडो भी आप यूज कर सकते हो, वो टू इन वन आई शेडो प्लस ब्रश पैलेट है। तो ये पिच कलर का आई शेडो लेकर मैं अपने क्रीज एरिया पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, अच्छे से आई जब आई मेकअप आ जाए तो उससे ब्लेंड करना बहुत जरूरी है। तो मैं क्रीज एरिया पे वो पिच कलर आई शेडो लेकर ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छी तरह से आपको आई शेडो ब्रश लेकर अपने क्रीज एरिया पे ये आई शेडो ब्लेंड करना है। उसके बाद में सेम टाइप सिवाना के पैलेट से थोड़ा सा सिल्वरी कलर है, थोड़ा डार्क सिल्वरी कलर होता है, वो मैं अपनी आईलिड पर लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे साड़ी का कलर जो है वो सफ़ेद है और उसको सिल्वर स्टोन की एम्ब्रॉयडरी है। तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा कलर ऐसा यूज नहीं करी हूँ अपनी आई शेडो पर, या फिर बहुत ही ड्रामेटिक आई ऐसा लुक नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे वो नेचुरली ही लुक रखना है, क्योंकि मेरी वाइट साड़ी है। तो इस प्रकार से मैं अपने इनर आई कॉर्नर में भी वो सिल्वर कलर लगा रही हूँ, ताकि आपकी जो आई है वो ब्राइट लगे। और मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन आई शेडो लेकर अपने आउटर आई की आउटर भी एरिया पे डैप कर रही हूँ थोड़ा सा वहाँ पे, ताकि वो आपके आई एक शेडो क्रिएट कर सके। इससे थोड़ा मेकअप और खुल के आता है आई का, तो मैं वो थोड़ा डार्क ब्राउन आई शेडो अपने आईज के आउटर वी पे लगा रही हूँ। तो मैंने अपना आई मेकअप कंप्लीट किया है, कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं कर रही हूँ। अब मैं लगाऊंगी आई लाइनर, जो कि ये पेंसिल आई लाइनर, जो कि इजी जाता है आपको अपने आईज को आई लाइनर करने में। तो मैंने अपना आई लाइनर ले लिया है। अब मैं दूसरा आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, कलर लिया है, उससे मैं अपने जो ब्रो का हाई पॉइंट होता है वहाँ पे ये और सिल्वर आई शेडो डिफॉल्ट, इससे आपकी जो ब्रोज है वो और भी खुलकर आते हैं। तो इस तरह से मेरा आई मेकअप लगभग हो गया है, पर मस्कारा के मेरा तो कंप्लीट नहीं होता, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मस्कारा, अच्छे से मस्कारा लगा रही हूँ। और अगर आप फॉल्स आईलैशेस लगाना चाहते हैं तो फॉल्स आईलैशेस भी लगा सकते हैं, या फिर आप अच्छे से मस्कारा भी लगा सकते हो। और मैं अपनी वाटर लाइन अपनी आईज के वाटर लाइन पे काजल लगा रही हूँ। इस तरह से मेरा आई मेकअप लगभग कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपना अपने ओठों को आउटलाइन करते हो, अगर भर और पूरे ओठों को भरते हो और ऊपर से लिपस्टिक लगाते हो, तो इस तरह से वो लिपस्टिक अच्छे से लग जाएगी और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी। तो मैं हमेशा यही काम करता हूँ, मुझे लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रखना हो तो मैं पहले लिप लाइनर से अपने लिप्स को भरती हूँ और फिर लिपस्टिक लगाती हूँ। अब बारी आती है हेयर की, अब चलिए मैं हेयर का अब कर लेती हूँ। तो मैं अपने हेयर को जो एक पिन आती है उसे क्या बोलते हैं, तो बोलते
इसी लेफ्ट हैंड साइड भी करे थोड़े अपने बालों का सेक्शन देकर उसे ट्विस्ट करती जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेना है, ट्विस्ट करना है और थोड़ा फूल भी कीजिए ताकि थोड़ा वॉल्यूम लगे और बॉबी पिन से अपने बालों को पिन अप करना है। फिर मैंने अपने जो भी बाल है उसका एक बन बना दिया है, वहाँ पर मैंने क्लस्टर यूज किया। आप चाहे तो बटन तो इस तरह से मेरा ये बुद्धिस्ट ब्राइडल मेकअप कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।